नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज के दोपहर के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। मासूम बच्चों की हत्याएं आखिर क्यों, युग कुश यश के बाद मासूम राज का क्या कसूर। सोनसर में कार हादसे में 3 महिलाओं की मौत, बाइक सवार को बचाने के चक्कर में कार के 2 टुकड़े। और पूर्व नागपुर के द्वीप नगर की समस्या का होगा निराकरण। और अब खबरें विस्तार से। उपराजधानी नागपुर में बच्चों के अपहरण कर हत्या करने की घटना ने शुक्रवार को सबको दहला दिया, लेकिन ऐसी घटनाएं उपराजधानी वासियों ने पहले भी देखी है, जिससे सतर्क रहने की आवश्यकता अब आ गई है, जबकि बच्चों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल निर्माण हो गया है। शुक्रवार को मासूम राज के अपहरण कर हत्या किए जाने की घटना जैसे ही नागपुर वासियों को पता चली, फिर नागपुर वासी चिंता में आ गए होंगे। लेकिन ऐसी घटनाओं से पहले भी नागपुर वासियों का सामना हो चुका है, जिसमें 11 अक्टूबर 2011 को कुश कटारिया इस 8 साल के मासूम को चॉकलेट का लालच देकर पड़ोसी आयुष पुगालिया ने मौत के घाट उतार दिया था, जिसे ट्रिपल उम्र कैद की सजा मिली थी, जिसकी झगड़े में सेंट्रल जेल के हमले में मौत हो गई थी। वही शहर के जाने माने डॉक्टर मुकेश चांडक के पुत्र युग चांडक को 1 सितंबर 2014 को अपहरण कर हत्या कर दी गई थी, तब भी नागपुर इस घटना से हिल गया था। इस घटना में आरोपी डॉक्टर चांडक के क्लिनिक पर कार्य करता था, जो बदला लेने के इरादे से पहले युग को घर से ले गया, फिर उसकी निर्ममता से हत्या कर दी। इसके अलावा जून 2013 में यश बोरकर नामक 11 वर्षीय मासूम को भी आरोपियों ने निर्ममता से मारकर खापरी पुल के नीचे फेंक दिया था। मासूम यश पर आरोपियों ने 22 बार किए जाने की बात बताई जाती है, जिसे सुनकर मन कांप जाता है। वहीं शुक्रवार को ऐसी ही एक घटना घटित हुई, जिसने सबको चौंका दिया। मासूम राज को बड़ों के विवाद की बलि चढ़ा दिया गया। इन सभी घटनाओं में बदला लेने की भावनाएं देखी गई हैं, जिसमें बच्चों को अपहरण कर हत्या कर दी गई, और यही चिंता नागपुर वासियों को सता रही है कि आखिरकार किसके मन में क्या चल रहा है, कोई जान नहीं सकता। ऐसे में अपने बच्चों को इन जैसी घटनाओं से सतर्क करें और उन्हें सावधान करें, ऐसी जरूरत अब आ गई है। सावधान रहिए और बच्चों को सतर्क करें, यही विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज की सलाह है। नागपुर से मुकेश हेड़ाउ की रिपोर्ट वीकेबी न्यूज के लिए। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने शुक्रवार को शहर पहुंचकर संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत से मुलाकात की। इस बैठक को लेकर मौन कायम रहा। बहरहाल शर्मा ने कहा कि वे जब कांग्रेस में थे, तभी से उनके संघ एवं संघ प्रमुख से आत्मीय संबंध रहे हैं, इस कारण वो संघ प्रमुख मोहन भागवत से मिलने नागपुर पहुंचे थे। असम में भाजपा के लगातार दूसरी बार सत्ता पर काबिज होने के बाद शर्मा को सर्बानंद सोनोवाल पर तरजीह देते हुए मुख्यमंत्री बनाया गया है। शर्मा को शुक्रवार सुबह नागपुर पहुंचना था, लेकिन कुछ कारणों से कार्यक्रम बदलना पड़ा। वे दोपहर 3:30 बजे नागपुर पहुंचे। वे विमानतल से सीधे महाल स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय पहुंचे। वे शाम को संघ मुख्यालय से निकलकर रेशमबाग स्थित हेडगेवार भवन पहुंचे। वहां उन्होंने प्रथम सर संघचालक डॉक्टर हेडगेवार और द्वितीय सर संघचालक गोलवरकर गुरुजी के समाधि स्थल के दर्शन किए। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पहली बार शहर पहुंचे शर्मा ने बाद में पत्रकारों से कहा कि इस बात में कोई तथ्य नहीं है कि उनकी नियुक्ति संघ को मान्य नहीं है। संघ प्रमुख कई बार असम में उनके यहाँ आए हैं। नागरिकता संशोधन कानून एवं NRC पर उन्होंने यह कहते हुए चुप्पी साध ली। छिंदवाड़ा नागपुर रोड पर सोनसर में विवाह समारोह में शामिल होने जा रही 3 महिलाओं की कार दुर्घटना में मौत हो गई। घटना इतनी भीषण थी कि दुर्घटना में पुल से टकराने के बाद कार के 2 टुकड़े हो गए। बताया जा रहा है कि कार चालक ने एक बाइक सवार को बचाने के चक्कर में कार पुल से टकरा गई। तेज रफ्तार से जा रही कार पुल से टकराकर 2 टुकड़े हो गई। शुक्रवार की शाम करीब 5 बजे हुए इस भीषण हादसे में कलमेश्वर नागपुर की महिला समेत 3 की मौके पर ही मौत हो गई।
गंभीर रूप से घायल नागपुर निवासी दंपति को इलाज के लिए नागपुर रेफर किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रामाकोना में विवाह समारोह था। इसमें शामिल होने के लिए शाहूनगर नागपुर निवासी संचित प्रेम प्रकाश जायसवाल पत्नी नीलम के साथ आए थे। समारोह के लिए तैयार होने के कार क्रमांक MH31FR3314 से सौंसर जा रहे थे। इस घटना के समय रिश्तेदार प्रिया सचिन जायसवाल कलमेश्वर, रोशनी अनूप जायसवाल और माधुरी आनंद जायसवाल दोनों भी साथ में थे। सोनसर की ड्रीमलैंड सिटी के पास छिंदवाड़ा नागपुर हाईवे पर बाइक चालक को बचाने के प्रयास में संचित जायसवाल का स्टीयरिंग पर से नियंत्रण छूटा। इससे तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पुल से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के दो टुकड़े हो गए। इसमें पीछे की सीट पर बैठी प्रिया, रोशनी और माधुरी जायसवाल ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वक्त हो गया है एक ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पूर्व नागपुर के द्वीप नगर की समस्या का समाधान जल्द होगा, जिसके लिए पिछले दिनों कांग्रेस के पार्षद पुरुषोत्तम हजारे ने महापौर दयाशंकर तिवारी को ज्ञापन सौंपा था, जिसके बाद अब महापौर दयाशंकर तिवारी ने मनपा और नागपुर सुधार प्रन्यास की संयुक्त बैठक में अधिकारियों को निर्देश भी दिए। पूर्व नागपुर के प्रभाग क्रमांक 25 स्थित द्वीप नगर में बारिश के समय हर वर्ष गटर लाइन नहीं होने से दूषित पानी घरों में घुसता है। इससे करीब 500 के करीब परिवार प्रभावित होते हैं। संबंधित इलाके की समस्या हल करने की मांग को लेकर कांग्रेस पार्षद पुरुषोत्तम हजारे ने महापौर दयाशंकर तिवारी को ज्ञापन सौंपा था। साथ ही अनुरोध किया था कि परिसर का मुआयना कर समस्या का निराकरण कराए। महापौर तिवारी ने प्रभावित इलाके का मुआयना किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मनपा और नागपुर सुधार प्रन्यास की संयुक्त बैठक लेकर समस्या का निराकरण करें। भांडेवाड़ी के संबंधित बस्ती में खदान है, जिसकी वजह से यहाँ का पानी बस्ती में घुसता है। पार्षद हजारे ने महापौर से मांग की कि संबंधित बस्ती में गटर लाइन डाला जाना चाहिए, तभी जाकर इस समस्या का निराकरण होगा। दौरे में लकड़गंज जोन की सहायक आयुक्त साधना पाटिल, पार्षद बाल्या बोरकर, पृथ्वी मोटघरे, विकास तितर मारे, अभिषेक लारोकर, पीयूष पंचबुधे आदि उपस्थित थे। कल राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का दोपहर 12 बजे नागपुर के डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर विमानतल पर आगमन हुआ, जहां नागपुर के महापौर दयाशंकर तिवारी सहित कई बड़े अधिकारी व मान्यवर भगत सिंह कोश्यारी के स्वागत के लिए मौजूद थे। 3 दिवसीय दौरे के तहत महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का शुक्रवार दोपहर 12 बजे नागपुर विमानतल पर आगमन हुआ। विमानतल पर महापौर दयाशंकर तिवारी, जिलाधिकारी रविंद्र ठाकरे, पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार, DIG चिरंजीव प्रसाद सहित वरिष्ठ अधिकारी गण राज्यपाल के स्वागत में मौजूद थे। अपने 3 दिवसीय दौरे में राज्यपाल कोश्यारी विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात करेंगे, साथ ही अनेक सामाजिक आयोजनों में भी राज्यपाल की उपस्थिति होने की जानकारी सूत्रों ने दी। राज्यपाल कोश्यारी सोमवार 14 जून को मुंबई रवाना होंगे। केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास आठवले ने कल नागपुर शहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से महाराष्ट्र के राजनीतिक पर भाष्य करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार बने, तो वही उन्होंने कहा कि देश भर में जितने भी क्षत्रिय समाज के लोग हैं उन सभी को 12% का आरक्षण मिले। इन दोनों मुद्दों पर बात करते हुए उन्होंने कहा है कि 20 तारीख के बाद वह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस विषय पर चर्चा करेंगे। देने का जो विषय है, इस विषय पर और दलितों को, आदिवासियों को प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलना चाहिए, और जो अभी तूफान आया था, तूफान में कोंकण और महाराष्ट्र में जो नुकसान हुआ है, उसके लिए सरकार की, भारत सरकार से मदद मिलनी चाहिए। इन्हीं मुद्दों को लेकर माननीय देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में महायुति का एक डेपुटेशन 20 तारीख के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का टाइम लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी को मिलने वाली है।
जिससे उद्धव माननीय उद्धव ठाकरे और महाविकास आघाड़ी के नेता लोग प्रधानमंत्री जी को मिलकर आए हैं, उसी तरह हम भी ये विषयों को लेकर हम प्रधानमंत्री जी को मिलने वाले हैं। दूसरा मुद्दा मेरा ये है कि जिस तरह मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, उसी तरह देश के तमाम क्षत्रिय जो लोग हैं उसमें जाट है, राजपूत है, ठाकुर है, रेड्डी है, ऐसे देश भर के जो क्षत्रिय लोग हैं ऐसे क्षत्रिय लोगों को अलग से 10-12% आरक्षण मिलना चाहिए। ये मेरे पार्टी के तरफ से मांग है और मैं राज्यसभा में भी इस विषय को उठाने वाला हूँ और प्रधानमंत्री जी से भी इस विषय पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। दूसरा एक है कि माननीय उद्धव ठाकरे जी को हमारा निवेदन है कि बाला साहब ठाकरे जी का सपना पूरा करना है तो आपने महाविकास आघाड़ी के सरकार से बाहर आना चाहिए और बीजेपी आरपीआई के साथ मिलकर महायुति की सरकार बननी चाहिए। तो 2.5 साल मुख्यमंत्री आप रहो और 2.5 साल बीजेपी को देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनाओ, इसी तरह का आह्वान हमारा शिवसेना को है और जरूर शिवसेना इसके बारे में विचार करेगी, क्योंकि माननीय उद्धव ठाकरे जी को हमेशा परेशानी उठानी पड़ रही है और कांग्रेस और एनसीपी के लोग उनको हमेशा चक्रव्यूह में लेने का काम कर रहे हैं, इसलिए शिवसेना ने ऐसा निर्णय लेना चाहिए, ऐसा हमारा कहना है। तो दोपहर के प्राइम टाइम में अभी इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेवी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।